मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का होटल पीटर हॉफ में पीटीए नियमित अध्यापक संघ की ओर से आभार एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की हमेशा ही अग्रणी भूमिका रही है और शिक्षकों के मार्गदर्शन के बिना नागरिकों और समाज का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीटीए शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से दूरदराज के क्षेत्रों में वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। पूर्व सरकार ने पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों की मांगों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों के दर्द को समझा और इसका समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें नियमित कर विभाग में समायोजित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1368 पीटीए शिक्षक जो नौकरी में अंतराल की अवधि और शिक्षा निदेशालय में दस्तावेजों के देर से आने के कारण अनुबंध के दायरे से बाहर रह गए थे, उन्हें भी नियमित किया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि पीटीए नियमित शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ पूर्व तिथि से प्रदान करने पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव को इसके वित्तीय एवं अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए कैजुअल लीव, मेडिकल और मैटरनिटी लीव देने संबंधित अन्य कई मांगों को भी पूरा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, 8,500 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नतियां दी गई हैं और 20,000 से अधिक शिक्षकों को नियमित किया गया है। इसके अलावा करीब 7,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। अभिनंदन समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने पीटीए पैरा और पैट वर्ग के शिक्षकों की लंबित मांग को पूरा किया है। मुख्यमंत्री का जन समस्याओं के प्रति सदैव मानवीय व संवेदनशील दृष्टिकोण रहा है और वे आम जन की समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर रहते हैं। किसी के भविष्य को बनाने में और उनके बच्चों के भविष्य बनाने में हम कुछ मदद कर सके, ये बहुत बड़ा संतोष है। सारी चीजें की और हम आगे बढ़े और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक सुरक्षित, जिसको बोल सकते हैं, भविष्य की तलाश में जहां भटक रहे थे वो तलाश आपकी पूरी हो गई। एक सुरक्षित भविष्य आपके पास है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, और उसके लिए निश्चित रूप से तो बहुत कम है। और उस वक्त के इस निर्णय से लगभग 6,500 के लगभग पीटीए, 3300 के लगभग शायद पैट थे, 3300 के लगभग पैट थे और 97 जो हमारे पैरा टीचर थे, जो आपको जीआईए जो है वो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, हम 3000 का इंक्रीज भी किया था ताकि थोड़ा आपको देखिए, अध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। टीचर्स अपना दायित्व जो है जिम्मेवारी के साथ समाज को दिशा देने के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको, उसका भविष्य को एक दिशा देने के लिए काम करता है। उस देश का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित होता है। न्यूज डेस्क, N1 लाइव। We'll be right back.